फिल्म स्टार्स के ऐसे इंटरव्यू बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जिसमें यह पता ही नहीं चलता कि इंटरव्यू देने वाला बड़ा एक्टर है या इंटरव्यू लेने वाला। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। एक ऐसा इंटरव्यू पूरे देश ने देखा, यह इंटरव्यू के नाम पर सामूहिक नकल केंद्र पर पर्चा लीक करके टॉप कराने की एक कोशिश जैसा कुछ था। और इस पूरी बातचीत को सिर्फ दो लाइन में आप समराइज कर सकते हैं कि ना तेरे सवालों में दम था और ना ही तेरे चेहरे पर गम था। इस इंटरव्यू में जवाब देने वाले को यह पता था कि सवाल क्या आ रिया है और सवाल पूछने वाले को भी पता था कि जवाब क्या आ रिया है। और जनता हैरान थी ये देखकर कि भाई ये हो क्या रिया है। एंकर ये भूल गए कि मीडिया रिया के पीछे नहीं है बल्कि देश की जनता मीडिया के पीछे पड़ी हुई थी, तब जाकर ये मुद्दा जिंदा रहा। और ये मुद्दा बनता ही क्यों अगर पुलिस ईमानदारी से अपना काम करती, सत्ताधारी दल जिम्मेदारी भरे बयान देता, सुशांत के कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश नहीं की गई होती, कम से कम मरने के बाद तो सुशांत को जो इज्जत वो जीते जी डिजर्व करते थे वो दी गई होती। लेकिन नहीं, आप लग गए उन्हें बाइपोलर साबित करने में, लग गए उन्हें साइको बताने में। तो जितना सब कुछ अब तक हुआ है उस पर कुछ पंक्तियां कहकर मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं कि मैं सीधा साधा लड़का था और सपने मेरे सच्चे थे, पर क्या ही पता था मुझको संगत में मेरे सब टुच्चे थे। अरे मैं लड़का बड़ा स्मार्ट सा था, तुम अब कहती इनसेन प्रिय, जो क्लास्ट्रोफोबिक होते हैं वो कहां उड़ाते प्लेन प्रिय। और इस इंटरव्यू में बस तुम ही तुम थी, पहले होते थे हम प्रिय। इस इंटरव्यू में बस तुम ही तुम थी, पहले होते थे हम प्रिय। ना उनके सवालों में दम था और ना तेरे चेहरे पर गम प्रिय। और आखिरी दो लाइनें की मुझको इंसाफ दिलाने को उठ खड़ा हुआ संसार प्रिय, तुम तब कर लेती प्यार तो यूं ना करना पड़ता पीआर प्रिय। थैंक यू वेरी मच। ठीक लगे तो वीडियो शेयर करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।